Obrigado. <coughs> Thank <laughs> you. रसूल بسم अम्माबाद الرحمن रहीब इससे पहले दरस में हमने जक़ात का माना मफूमूम उसकी फर्जियत अहमियत फजीलत इसको बयान किया था

मुतफन अली वफुलबुखारी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्म ने हज़रत मुआज़ रजी अल्लाह तु को यमन का आमिल बनाकर भेजा और फिर लंबी हदीस बयान की और उस हदीस में जिक्र फरमाते हैं जिसमें नबी करीम सल्लाम ने इन्हें वसीयत करते हुए फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने इन पर इनके मालों में जकवात को फ़र्ज किया है जो इनके मालदारों से ली जाएगी और इनके फ़कीरों में लौटा दी जाएगी तो इस हदीस से ये मसला मालूम होता है कि ज़कूत का अदा करना फ़र्ज़ है हज़रत मद रजी अल्लाह त दस हिजरी में नबी अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा था अपनी वफ़ात से एक साल पहले और इन्हें दाई मुअल्लिम और आमिलो हाकिम बनाकर यमन भेजा था कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इन्हें अहले यमन को दीन की दावत देने इनकी तालीम तरबियत करने और इनके दरमियान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसले करने के लिए भेजा था तो उस में आप ने फरमाया था जो आ, जो तुमने जाकर उनको तलीमात देनी है उनमें एक ये है कि जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो उसमें अल्लाह ने तुम पर सदका फ़र्ज किया है और यहाँ सदका से मुराद जो फर्जी सदका है नफली नहीं है मुराद फर्ज़ ज़कात है ना के नफली सदका। सदका का लफज नफली पर भी आता है और फर्ज पर भी आता है ज़ात पर भी बोला जाता है और फिर उनसे वो जकवात ली जाएगी और फिर वो उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके जो फुकरा है जो गरीब हैं तो उनको वो दी जाएगी तो यहाँ से ये यह मालूम भी हो गया कि ज़कात जो है जिस इलाके से ली जाएगी यानी इस हदीस में दो अहम मसाइल बयान किए गए हैं नंबर एक ये कि जक़़ात मालदारों पर फर्ज है और दूसरा एक ज़क़ात को तंग दस्तों और नादारों में तकसीम किया जाएगा और साथ ही ये मसला भी बयान किया गया कि राज्य कॉल के मुताबिक एक शहर की ज़क़ात वहीं के लोगों में तकसीम की जाएगी इल्ला के वहाँ पर अगर गुराबा और फ़रा और मसाकिन नहीं है मुस्तकिन नहीं है तो फिर वो आ, दूसरे इलाके के गुराबा फ़करा और मसाकिन को दी जा सकती है और दूसरी बात ये कि बाद दफा इस इलाके में जो गुराबा और फुकरा और मसाकीन तो है ये बात सही है लेकिन जो दूसरे इलाके के गुराबा फुकरा मसाकीन जो है वो ज्यादा मुस्तहिक हैं इस बात के कि वहाँ पर हो सकता है कोई वबा आ गई हो जैसा कि हम देखते हैं बाज इलाकों में सैलाब आ जाता है बाज़ इलाकों में जलजला आ जाता है कहत साली हो जाती है तो अब वहां के लोग जो है ज्यादा मुस्तक होते हैं तो उनको बारह जकत दी जा सकती है और इस हवाले से एक बात कि ज़कात का माल तक़सीम का होगा तो ज़कात का माल तकसीम करने के लिए जो आ, इस्लामी हुकूमत का सरबरा होगा जो खलीफा होगा वो देख सकता है कि कहाँ ज्यादा आ, हकदार लोग हैं तो उनको फिर वो ज़कात दी जा सकती है जैसा कि आज भी बहुत सारे गरीब ममालिक और कुछ अमीर ममालिक होते हैं, तो अमीर ममालिक के पास तो फंड ज्यादा होते हैं पैसा ज्यादा होता है टैक्स ज्यादा जमा होता है जबकि दो गरीब ग्रबा मुल्क हैं तो लिहाजा उनकी जो खैरत है पैसे हैं तो फिर वो वहाँ तकसीम कर दिए जाते हैं दोबारा तो ये इस बात पर मौकूफ़ है कि कहाँ पर ज्यादा मुस्तक लोग मौजूद हैं आम कायदा यही है कि जिस इलाके से जकवात ली जाएगी वहीं के फ़कर में वो तकसीम की जाएगी आगे रिवायत है जिसमें इस बात का तस्करा है कि जो चौपाए होते हैं जानवर होते हैं अब जानवरों में अरब के लिहाज से तो ऊंट थे और इसके साथ साथ बकरियां थीं गाइयाँ थी तो यही वहाँ पर मारूफ जानवर थे इसके साथ साथ घोड़े और जो घोड़े हैं खच्चर है ये भी वहाँ पर थे लेकिन अब इन चौपायों की जक़ात यानी के कौन से जानवर कितने होंगे तो उन पर जक़त दी जाएगी तो ये इस हदीस के अंदर मसला बयान किया जाएगा बकरिन काम अमरबा रसूल

जानवरों की ज़क़ात के बारे में है और ये वो फ़र्ज सदका है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फर्ज किया और इसका अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया अब वो तरतीब क्या है फरमाया हर चौबीस या इससे कम ऊँटों की ज़क़ात में बकरी देना वाजिब है हर पाँच ऊँटों में एक बकरी देना वाजिब है बस जब ऊंट पच्चीस हो जाए तो पैंतीस तक में एक बिनते मखाज मादा आती है और अगर ज़कात में अदा करने के लिए बिनते मखाज ना हो तो एक इब्ने लुबून नर वाजिब होता है तो अब ये जो नाम आ रहे हैं जानवरों के ये मुख्तलिफ जानवरों के नाम हैं और ये उम्र के लिहाज से उन पर बोले जाते हैं तो अब जो एक बिनते मखाज है वो क्या है एक साल की मादा ऊटनी जो दूसरे साल में दो दाखिल हो गई हो तो उसको कहते हैं बिनते मखाज और फिर इसमें लफ्ज आया कि इबन लबून इब लबून तो ये कहते हैं वो ऊंट जो दो साल मुकम्मल करके तीसरे साल में दाखिल हो गया हो उसको कहते हैं इबन लबून बिनते मखाज और इब्न लबून तो ऐसे ही और भी जानवर फुमाया और जब ये छत्तीस हो जाए तो पैंतालीस तक एक बिनते लबून मादा देना वाजिब है और जब ये छियालीस हो जाए तो साठ तक में एक देना वाजिब है जो नर ऊंट की जुफ्ती के काबिल हो गई हो और जब ये इकसठ हो जाए तो पिछहत्तर तक में एक जजा आता है और जब ये छिहत्तर हो जाए तो नब्बे तक में दो बिनते लबून देना वाजिब है और जब ये इक्नवे हो जाए तो एक सौ बीस तक में दो हिका देना वाजिब है जो नर की के काबिल हो हो गई हो। और जब ये एक सौ बीस से ज्यादा हो जाए तो अगले हर चालीस में एक बिनते लबून और हर पचास में एक हिका देना वाजिब है और जिसके पास सिर्फ चार ऊंट हो तो इनमें कोई जकवात वाजिब नहीं हाँ इन का मालिक जो देना चाहे वो अपनी मर्जी से दे दे तो ये तो ऊँटों में ज़कात की तफसील है जबकि बकरियों में ज़कात की तफसील ये है फरमाया और चरने वाली बकरियों में ज़कात के वजूब की तफसील ये है कि जब बकरियाँ एक सौ बीस हो जाए तो उनमें एक बकरी देना वाजिब एक सौ बीस जब हो जाए बकरियाँ तो एक बकरी जकआत होगी इसका मतलब क्या हुआ कि एक सौ बीस बकरियों पर जक़ात फर्ज होती और जब ये 120 से जायद हो जाए तो 200 तक में दो बकरियां देना वाजिब है और जब ये 200 से जायद हो जाए तो 300 तक में तीन बकरियां देना वाजिब है और जब ये 300 से जायद हो जाए तो अगले हर सौ में एक बकरी देना वाजिब है और जब आदमी की चरने वाली बकरियों की तादाद चालीस से एक बकरी भी कम हो तो इनमें कोई जकवात वाजिब नहीं हाँ इनका मालिक जो देना चाहे वो दे दे और जकवात के वाजिब हो जाने के डर से दो मुतफरक निसाबों को यकजा किया जाए और ना दो जमा निसाबों को मुतफरक किया जाए हाँ जी जैसा कि अभी हमने इसका मतलब क्या है दो को हम ना तो जमा करेंगे और ना उनको मुतफरक करेंगे यानी अगर पीछे हमने अभी पढ़ा है कि चालीस से एक बकरी भी कम होती इनमें कोई जकात नहीं है अगर चालीस हो कम अज कम बकरियां तो फिर जकात होती है अच्छा अब एक बंदे के पास चालीस है फिर दूसरे बंदे के पास भी चालीस है तो दो बकरियां बनी जकात थी लेकिन वो क्या करते हैं इन दो को जमा कर देते हैं तो जब दो को जमा कर देंगे तो फिर एक बकरी वो जक़ात देनी पड़ेगी वो दो नहीं देंगे तो ये है मुतफरिक को जमा कर दिया क्यों जमा किया ताकि दो बकरी ज़कात ना देनी पड़े एक बकरी ज़कात देनी पड़े और बाद में ऐसे होगा के दो जमा है ना तो ज्यादा जक़ात बन रही है तो फिर उनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो फिर जक़ात कम देनी पड़ेगी तो बहरहाल ये जक़ात से बचने के हीले बहाने के जकवात कम से कम देनी पड़े या ना देनी पड़े तो रसूल अल्लाह सल्ला फरमाया ऐसा नहीं करना चाहिए फिर फरमाया और जो मवेशी दो शरीकों के हों और दोनों के मवेशी मिलाने से निसाब पूरा होता हो और इस पर जक़ात जक़ात आती हो तो वो दोनों जक़ात निकाल देने के बाद इंसाफ के साथ एक दूसरे पर रुजू करेंगे यानी बाद दफा दो लोगों का माल इकट्ठा होता है दो लोगों का इकट्ठा माल होता है तो ये उसकी बात हो रही और बकरियों और ऊंटों दोनों में दोनों की जक़त में बहुत बूढ़ी और ऐब वाली बकरी यानी जैसे लंगड़ी कानी बकरी वगैरह और नर बकरे को ना दिया जाए हाँ अगर आमिर जक़ात इस नर बकरे को लेना चाहे तो ये जायज़ है याद रहे कि इस तिसना सिर्फ नर बकरे से है तो ये बकरियों की जक़ात हो गई यानी ऊंटों की जक़त पहले बयान हुई फिर बकरियों की जकू़त बयान हुई और अब है चांदी की जकवात चांदी का निसाब क्या होगा वह फिर फ़ी और चांदी के दो सौ दरहमो में चालीसवा हिस्सा जक़ात देना वाजिब है और ये दो सौ द्राहिम होने की सूरत में पांच दराहम बनते हैं यानी कि चालीसवा हिस्सा जक़ात दिया जाता है चालीसवा हिस्सा जक़ात दिया जाता है तो चालीस पर एक द्रहम और दूसरे चालीस पर एक और फिर आधा यानी के सौ हो तो फिर अढ़ाई जो है ना वो दिरहम जक़ात बनती है तो फिर दो सौ होंगे तो फिर पांच बन जाएगी अगर इसके पास चांदी के सिर्फ एक सौ नब्बे दिरहम ही हो तो इसमें कोई ज़कात वाजिब नहीं हाँ जो द्राहिम का मालिक देना चाहे तो वो दे दे, यानी उस पर फर्ज तो नहीं है लेकिन अगर वो देना चाहे तो दे दे फिर फरमाया और जिसके पास मौजूद ऊँटों की ज़क़ात जजा बनती हो जबकि इसके पास देने को जजा तो मौजूद ना हो अलबत् हो जो ज़क़ात में मतलूब वाजिब ऊँट की उम्र से छोटी उम्र का होता है तो इससे वो हिक्का ही ले लिया जाएगा यानी कि ये तो बन गया ना ज़क़ात कितनी बनती है लेकिन अब जकवा़त देनी भी तो है ना लेकिन अब जब जकवात देनी है और वो मतलूबा जानवर मौजूद ना हो तो फिर इसके बदले में दूसरा लिया जा सकता है तो इससे वो हिक्का ही ले लिया जाएगा और वो अगर मैसर हो तो उनके साथ दो बकरियां देगा या बकरियां ना होने की सूरत में इस हिक्का के साथ बीस दिरहम देगा और जिसके पास मौजूद ऊँटों की जक़त हिक्का बनती हो जबकि इसके पास देने को हिक्का ना हो हाँ अलबत् तो जक़ात में मतलूब ऊँट की उम्र से बड़ी उम्र का जो होता है तो इससे वही जजा ले लिया जाएगा और ज़कात इसे जकत या फिर दो बकरियाँ वापस देगा चूंकि इसे जो जानवर लिया जा रहा था वो ज्यादा कीमती था और इसे बनता थोड़ा था तो लिहाजा फिर इसको दो बकरियाँ वापस कर दी जाएगी ताकि इसके साथ ज्यादती ना हो दे शरीयत ने इस चीज को मलूज रखा है कि ज़कात तो लेनी लेनी है लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए तो लिहाजा अब ये जो इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है तो हजरत अबीक रदी अल्लाह तबी स पहले खलीफा थे तो हजरत अबी अल्लाह अपने आमिलीन को लोगों से करने के लिए भेजा करते थे तो इसलो को भेजा जिन्हें खलीफा हजरत के सद्दीक ने आमिल जक़त बनाकर बहरीन भेजा था यानी कि जो बहरीन है वहां पर उनको भेजा था और साथ ही एक दस्तावेज उनको दी थी इसमें जक़त के मुतद फराइज लिखे थे ये वही फराइज थे जो नबी करीम ने अल्लाह के हुक्म से लिखवाए थे यानी जाहिर बात है जब जक़ात लेने के लिए वो जाएंगे और कहेंगे भाई इतने माल पर इतनी जक़ात है तो लोग पूछेंगे जी ये पैमाना किसने मुकर किया है इतने बकरियों पर इतने ऊँटों पर इतने सोने पर इतनी चांदी पर जक़ात इतनी बनती है तो फिर उनको बताया जाएगा कि ये रसूल सल्लाम ने मुखर किया है और रसूल सल्ला के हुक्म से मुकर किया है और फिर रसूल तो अब दुनिया में नहीं रहे तो अब हजरत अबक के सिद्दीक रदी अल्लाह ने वही जो था जो तहरीर थी रसूल लिखवाया करते थे वही हमें देकर भेजा है तो इसका मतलब ये हुआ शरीयत के अंदर कोई भी काम करो तो उसका उसके लिए दलील होनी चाहिए तो शरीय दलील देती है तो यहाँ पर रदी रदी हज़रत अनस हज़त रदील को प्रवाना देकर भेजा दे यार जाहिर बात है अगर कोई पूछे तो उसको बताया जाए मुतमिन किया जाए भी अल्लाह का हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम का हुक्म है तो ताकि लोग उसको फिर मान लेंगे और किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं करेंगे <स्थाथ> हाँ जी तो इसके अंदर अब जो चांदी है ना चूंकि अब हमारा अक्सर बेशतर आप जो बहने ये सबक ले रही हैं की क्लास पढ़ रही हैं तो शायद ही हम में से कोई हो जिसके पास बकरियां हो या ऊंट वगैरह हो या गायियां हो तो लेकिन हम सबके पास जो नकदी होती है रुपया होता है चांदी होती है सोना होता है तो उसके लिहाज से तो हमारे पास होता है लेकिन ये जानवर वगैरह तो अक्सर लोगों के पास हमने से नहीं है बहरहाल अब चांदी की ज़कात कितनी बनती है तो अर्रिक्का तो ये अरबी का लग 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 है और ये चांदी को कहते हैं जैसे पाक में भी इसका तस्करा किया काफ में आयत नंबर उन्नीस में फरमाया बस अपने में से एक को अपनी ये चांदी देकर शहर की तरफ भेजो तो अब चांदी का जो जक़़त है वो क्या है चांदी में से वो ज़क़ात बनती है साढ़े बावन तोले चांदी जिसके पास हो साढ़े बावन तोले चांदी जिसके पास हो और फिर साल भर उसके पास वो रहे तो उसको साल बाद ज़क़ात देनी चाहिए तो चांदी का निशाब कितना है साढ़े बावन तोले अच्छा अब साढ़े बावन तोले चांदी हो या फिर साढ़े बावन तोले चांदी के बराबर पैसे यानी जितने पैसों में साढ़े बावन तोले चांदी आ सकती है उतने पैसे अगर साल भर रहे तो फिर उसको जक़ात देनी चाहिए और जक़त कितनी देनी चाहिए अढ़ाई फीसद जक़त देनी चाहिए चालीसवा हिस्सा जक़ात देनी चाहिए तो दो सौ दिरहम चांदी में चालीसवा हिस्सा यानी पांच दिरहम, दिरहम जक़ात होगी अगर किसी के पास दो सौ से कम दिरहम हो चाहे एक सौ निन्यानवे हो यानी एक ही कम हो तो इनमें ज़कात उस पर फर्ज नहीं होगी वाजिब नहीं होगी चूंकि उसका जो माल है वो उसके निसाब को नहीं पहुंचा और ऐसे ही फिर एक बात ये भी है कि साल में से अगर दो चार दिन के लिए सही एक हफ्ते के लिए सही उसके पास इन पैसों में कमी आ गई थी चांदी में कमी आ गई थी साढ़े सात तोले सोना जो है उसमें कमी आ गई थी तो लिहाजा उस पर फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी क्योंकि पूरा साल वो माल उसके पास नहीं रहा तो साढ़े बावन तोले चांदी हो और साढ़े सात तोले सोना हो और वो साल भर पास रहे तो फिर उस पर जक़ात फर्ज हो जाती है और ज़कात कितनी देनी होती है अढ़ाई फीसद ज़कात देनी होती है और जकवात जो है वो जो मौजूदा दौर होगा उसके मुताबिक जकवात दी जाएगी मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है अगर किसी ने आज से जो तीस साल पहले अगर किसी ने सोना खरीदा था तो उस वक्त तो उसकी कीमत बहुत कम थी लेकिन अब ज्यादा है तो वो अब मौजूदा जो कीमत है उसके लिहाज से जक़ात देगा यानी कि अगर वो पैसों में देना चाहेगा तो आज के हिसाब से रेट लगवाएगा सोने का और उसमें से अढ़ाई फीसद के लिहाज से जक़ात देगा तो असल में तो जक़ात जो देनी होती है वो तो सोने के लिहाज से देनी होती है लेकिन आज हमारे पास चूंकि जो करेंसी है कागज के जो नोट है जो दिनार है वो तो चूंकि कागज की सूरत में है तो सोने की सूरत में तो नहीं है तो इसलिए मौजूदा जो दौर होगा मौजूदा वक्त के हिसाब से उसकी कीमत जो भी होगी तो उसमें से अढ़ाई फीसद दी जाएगी तो अब तक हमने तीन बातें पढ़ी हैं नंबर एक ज़कात जानवरों की जानवरों में से ऊंट और बकरियों की ज़कात और फिर हमने पढ़ा है जो चांदी का निसाब कितना है साढ़े बावन तोले और फिर सोने का निसाब कितना है साढ़े सात तोले तो ये सोने का निसाब है तो अब इतने पैसे अगर किसी के पास नकदी सूरत में हो नोट की सूरत में हो वो भी जकवात देगा और अगर उसके पास सोना जो चांदी असल है वो हो तो उसमें वो जकआत देगा यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि निसाब किसको बनाया जाए चांदी को या फिर सोने को तो इस बारा में जो बात है जो सही बात है वो ये है कि चांदी को निसाब बना लिया जाए क्योंकि तो जक़ात का मकसद क्या है कि जो घनी लोग हैं मालदार लोग हैं उनसे ये ली जाएगी और जो फकरा है गुराबा है उनको ये लौटाई जाएगी तो लिहाजा गुराबा और फुकरा का जो फायदा है वो चांदी को निसाब बनाने में है वो चांदी को निसाब बनाने में है तो लिहाजा चांदी को निसाब बना लिया जाए और चांदी के लिहाज से अगर पाकिस्तान के लिहाज से हम देखेंगे तो तकरीबन साठ हजार रुपये बनते हैं यानी साढ़े बावन तोले चांदी की जो मालियत है रुपयों में जो रकम बनती है वो तकरीबन साठ हजार रुपये बनती है तो साठ हजार रुपए साल भर अगर किसी के पास रहते हैं तो वो जक़ात देंगे अगर सोने को कोई निसाब बनाएगा तो ठीक है हम मना तो नहीं कर सकते वो सोने को बना सकता है तो उस पर वो उस लिहाज से ज़क़ात ले सकता है तो आगे हदीस है जिसमें चौपायों में से फिर जो गायियां हैं गाय जो होती है तो उसकी जक़त बयान की गई وأن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينار أو أدله معافريا حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سر رواية نبي صلى الله عليه وسلم نے إلى يمن بيجا وبيجته وإثبات حكم वहाँ पहुँच कर वो ज़क़ात की मद में हर तीस गायों में एक तब या तबीआ ले और हर चालीस गायों में से एक मुसी ले और हर बालिग से एक दीनार या इसके बराबर कीमत वो मुआफ़िरी कपड़े ले तो इस हदीस को आईमाय खमसा ने रिवायत किया है और ये अल्फाज अहमद की रवायत के हैं इमाम तिरमज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है और जिक्र किया है कि इस हदीस के मौसू होने में आईमाय महदसिन के अख्तलाफ है जबकि इमाम इब्न हिब्बान और इमाम हाकिम रही ने इस हदीस को सही कहा है तो इसमें लफ्ज आए तबीय तो तबीय का माना क्या होता है तबीय का माना होता है ये गाय के उस बछड़े को कहते हैं जो अभी छोटा हो जिसकी उम्र एक साल हो और इसी की जो मुन्नस हो तभी आ उसको कहेंगे यानी इतनी उम्र के बछड़े और बछिया को तभी कहते हैं तभी का मान लफ माना तबी आसे यानी कि ये छोटी उम्र के बच्चे होते हैं तो गाय के पीछे पीछे चलते हैं तो इसलिए उनको तभी कहते हैं और मुस्किनला किसे कहते हैं गाय का वो मादा बच्चा जो दो साल का हो गया और इसके सामने वाले दांत निकल आए हो जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं दोंदा जानवर हम जिसको कहते हैं जैसे ना कुर्बानी में भी मुसिन्ना वो जबा करना चाहिए और हाल ही मुराद क्या है तो यहाँ जक़ात का मसला बयान हुआ है और जो ज़िम्मी लोग होंगे वहां पर जिनसे जिजिया लेना होगा तो उसका मसला भी यहाँ बयान हुआ और वो क्या है जो जिम्मी लोग होंगे उनमें से हर जो बालिग है बलुगत की उम्र को जो पहुंच गया है तो हर बालिक से एक दीनार लेने का हुक्म दिया उसे एक दिनार लेंगे और दीनार ये सोने से बनी और सोने में ढली नकती कहते हैं तो इसी को अशरफी भी बोला जाता है तो बहरहाल ये उससे तो इसमें गायों की जक़ात का मसला बयान हुआ और जो जिम्मी लोग होंगे यानी जो गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में रहते हैं और वो जजिया देते हैं टैक्स देते हैं और जिम्मी उनको इसलिए कहते हैं कि अब उनकी जान माल और इज्जत का तहफुज करना ये इस्लामी रियासत के जिम्मा होता है इसलिए उनको ज़िम्मी कहा जाता है हाँ <खँँग> जी इसी हदीस में है वो अनुबिन रसूल तो खजात मिया रवाहमद لا تؤخذ صدقاتهم إلا في तो हजरत अमर बिन शब अपने वाल से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है मुसलमानों से जक़ुआत उनके पानियों के घाटों पर ही वसूल की जाएगी और इस रदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है और सुनन अबी दाऊद की रिवायत में ये अल्फाज है के मुसलमानों से ज़क़़त उनके घरों यानी महलों और कबीलों में ही वसूल की जाएगी यानी इस हदीस में ये मसला बयान किया गया है कि जकवात वसूल करने के लिए जो बंदे मुकर किए जाते हैं जिनको आमरीन जकवात कहते हैं तो वो आमरीन जक़ुत को कुर्ब जवार और गिरदो नबा के इलाकों में बल्कि दूर दराज के गलाद और शहरों में भी भेजा जाता है भेजना मशरू है शरीयत के अंदर है और दूसरा मसला ये है कि जक़ात खुद हर जगह पहुंचेगा ये नहीं कि वो एक जगह बैठ जाए और सारे लोगों को कहे कि भाई तुम तो मेरे पास जक़ात ले लेकर आओ नहीं बल्कि वो जाएगा और जाकर खुद जक़ात इकट्ठी करेगा तो इसे भी पता चला अल्लाह ताला अगर हमें इस्लामी हकूमत अता फरमाए तो इस इस्लामी हकूमत में जो जक़ात इकट्ठी करने वाले लोग होंगे वो लोगों के पास जाया करेंगे और फिर वहां जाकर के देखा करेंगे कितने इसके पास मतलब ऊंट है कितनी बकरियाँ हैं कितनी गाय हैं तो फिर उनको वो खुद शुमार भी करेगा और फिर वहीं से जकआत भी लेगा तो इससे देने वालों को बहुत आसानी हो जाएगी अब हमारे यहां तो जो जकआत का निजाम तो है ही नहीं टैक्स का निज़ाम होता है और वो हर एक ने खुद जमा करवाना होता है तो अब वो कितना जब टैक्स जमा करवाता है उसके पास कितना माल होता है कितना नहीं होता है तो बहर इसमें मिल मिला करके जो नतीजा निकलता है ज़्यादा वो यही होता है कि दो नंबरी की जाती है रिश्वत दी जाती है धोखा दिया जाता है माल बहुत होता है लेकिन उसको कम ज़ाहिर किया जाता है लेकिन जब अल्लाह करे आ, इस्लामी हुकूमत कायम हो फिर उसके अंदर जो जकवात का ज़कूत को वसूल करने का निज़ाम बनेगा तो उसके अंदर आमिलीन जो है फिर जगह पर जाया करेंगे और वहाँ बातन वो खुद शुमार किया करेंगे वो गिना करेंगे और देखा करेंगे तो इससे फिर क्या होगा कि कोई धोखा भी नहीं देगा और फिर जकवात पूरी भी वसूल की जाएगी और ख़जाना भरा हुआ होगा जिससे गुराबा और फकरा की दाद रसी भी हो सकेगी तो फिर और जो मुस्तकिन होते हैं उन सबको जो माली मदद है वो अच्छे तरीके से दी जा सकेगी अल्लाह तो हमें इस्लामी अता फरमाए आगे रिवायत है जिसमें यह बात बयान की जाएगी कि गुलामों और खुदाम और घोड़ों पर जक़ात नहीं है। लेकिन यहां पर यह बात समझ लेनी चाहिए जो चीज भी माल तिजारत हो जो चीज भी माल तिजारत हो उस पर जकआत होगी माल तिजारत का मतलब जो माले तजारत से मुराद ये है कि ऐसा माल जिसको खरीदो फरोखत किया जाता है यानी इसको बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है यानी आदमी अपनी जो असल रकम है इन्वेस्ट कर देता है उसमें मसलन वो उसे को गाड़ी खरीद लेता है उसे घोड़े खरीद लेता है और उसे प्लाट वगैरह खरीद लेता है तो अब जाहिर बात है कि इसने जो घोड़ा खरीदा है गाड़ी खरीदी है ये माल तजारत है ये उसने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि इसने वो कारोबार के लिए तो जो भी चीज़ माल तजारत होगी तो उस पर ज़कात होगी और चीज़ ऐसी है अगर वो माल तजारत ना हो तो फिर उन पर जक़ात नहीं होती लेकिन वही चीजें जब माल तजारत बन जाती है तो फिर उन पर ज़कात फर्ज होती है जक़ात दी जाएगी लिहाजा रिवायत है वह अन अभी हुररत कल कल रसूल सई सी सदकत। सदकत। हजरत से वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्ला का इशाद है मुसलमानों पर मुसलमान पर उसके खिदमत के लिए रखे गुलाम और इसके घोड़े में जो सवारी के लिए रखा हो कोई जक़ात नहीं इस हदीस को इमाम बुखारी रिवायत किया है और सही मुस्लिम की एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि मुसलमान के गुलाम में सिवाय फितर के और कोई सदका वाजिब नहीं है यानी कि जो सदका फितर है वो तो वो देगा वो तो सबकी तरफ से देगा हती के जो बच्चा पैदा होता भी वो तो उसका भी दिया जाता है तो लिहाजा इस हदीस में दो अहम मसले बयान किए गए नंबर एक गुलाम खुदाम और घर दुकान के नौकर चाकर में जकवात वाजिब नहीं है अलबत्त गुलाम का सदका फितर अदा करना आका के जिम्मा वाजिब होता है अच्छा जी चंदे का हदीस और पढ़ते हैं फिर मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ मुझे मालूम है अब चूंकि हमने जिस किताब को हम पढ़ रहे मराम को तो उसमें तो यही अदीस है तो लेकिन आप लोगों के जो सवालत हैं तो वो तो इससे ज़रा मुख्तलिफ है वो गाड़ी प्लाट सोना चांदी रुपया पैसा तो वो तो उस पर है तो लिहाजा में वो सवाल आपसे लेता हूँ लेकिन हम चंद एक अदीस और पढ़ लेते हैं फिर मैं इन सवालात की तरफ आता हूँ हाँ जी आगे हदीस है इसमें ये मसला बयान किया जाएगा कि जो खलीफा होगा इस्लामी सल्तनत का इस्लामी रियासत का हुक्मरान होगा तो वो जक़त जबरदस्ती भी ले सकता है यानी अगर कोई शख्स जक़ात नहीं देता है। तो लिहाजा वो उससे जबरन भी जक़ात ले सकता है और जक़ात रोकने वाले को सदा भी दे सकता है तो इस में रिवायत है वह अनबाहम अबी कला रसूलिन لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله وعزمه من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء صلى الله عليه وسلم हजरत बाज बिन हकीम अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं वो फरमाते हैं कि नबी करीम का इशाद है, मुबा चरने वाले मुबाटों के चारा चरने वाले ऊँटों के हर चालीस ऊँटों में एक बिनते लुबू जकवात की मद में वाजिब होती और ऊँटों को उनके इस शुमार से मुतफरक ना किया जाए जिस पर ज़कात वाजिब होती यानी अगर एक तादाद पर जक़ात आती है तो जकवात से बचने के लिए इस तादाद को मुतफरक करके अलग अलग करके कम ना किया जाए कि ये जायज़ नहीं है और जिसने अजर का तालिब बनकर सवाब की नीयत से यानी बिनते जो नीयत सवाब की नीयत से ज़क़ात अदा की तो इसको ज़क़ात का अजर मिलेगा और जिसने इस जकवात को रोका तो हम इस जक़ात को लेकर रहेंगे और साथ बतौरे जुर्माना के इसका आधा माल भी लेंगे बिलाशुबा ये हमारे परवरदिगार के हकूक वाजिबा मुक्दा में से एक हक के वाजिब है और बेशक आल मोहम्मद सल्लाम को जक़ात की कोई शह लेना हलाल नहीं है इस हदीस को इमाम अहमद इमाम अब दाऊद इमाम नसाई ने रिवायत किया है इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है जबकि इमाम शाफी ने मस्कूरा हुक्म का कौल इस हदीस के साबित होने पर मुअल्लक किया है हाँ जी सदी से ये बात मालूम हो गई कि अगर दो ही सूरतें हो सकती हैं एक सूरत यह है कि कोई शख्स अपनी दिल की खुशी से मर्जी से जक़ात देता है तो भी बहुत अच्छा है अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा है और दूसरा ये है कि कोई शख्स जक़ात देने में टाल व से काम ले रहा है यानी कि हरवे अपना रहा है और उसकी कोशिश ये है कि मैं लेट करता जाऊं करता जाऊं और मुझे ज़क़ात ना ही देनी पड़े लेकिन चूंकि इस्लामी रियासत में तो तमाम मालदार मुसलमानों का हिसाब किताब होता है उनको मालूम होता है कि भाई कौन बंदा कितना मालदार है उसने पिछले साल कितनी ज़क़ात दी थी या बीस साल कितनी जक़ात बनेगी तो हिसाब किताब होता है और फिर आमिल जाता है उस इलाके में और जाकर जुकआत लेता है हाजिरी लगती है बाकायदा तौर पर यूँ कह लीजिए आप तो अब अगर कोई शख्स जकआवात नहीं देता टाल मटोल रख से काम ले रहा तो लिहाजा उसे जकवात जबरदस्ती ली जाएगी और बतौर जुर्माना के उससे और ज्यादा माल लिया जा सकता है चूंकि ये ऐसा हुक्म है जो अल्लाह की तरफ से वाजिब है तो लिहाजा जक़त तो वसूल की जाएगी अच्छा अब यहाँ पर एक बात पैदा हो सकती थी कि रसूल वसल्लम ने जो जकवात वसूल आप कर रहे हैं तो किसी के जेन में आ सकता था नाउज़ु मिन ज़ालिक के हुज़ूर पाक तो बड़ा माल बना रहे तो आपने इतना माल जमा कर लिया है तो आप वो माल शायद वरासत के तौर पर अपने खानदान को छोड़कर जाएंगे इसीलिए बहुत सख्ती कर रहे हैं सख्ती के साथ जक़ात वसूल की जा रही है लिहाजा आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि आले मोहम्मद के लिए तो जो ज़कात है वो हलाल नहीं है यानी हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है हम ना खाते ना मैं खाता हूँ ना मेरी औलाद खाएगी मेरी जो आल खाएगी तो उनके लिए तो है ही नहीं तो आहमद से मुराद कौन है तो आले मोहम्मद सल्लाम से मुराद जनाब रसूल सल्लम के करारदार हैं ना कि आपके पैरोकार। चाहे जितने भी सादिक और मतकी पैरोकारी क्यों ना हो लिहाजा माले ज़कात के हराम होने के इस हुक्म में आप सल्लाम के सहबक कराम भी दाखिल नहीं होंगे क्योंकि अगर हम इससे आपके पैरोकार मुराद लेंगे तो मजकूरा हदीस का माना गैर मुस्तकीम ठहरता है क्योंकि तब फिर किसी भी मुसलमान को जक़ुत लेना जायज़ नहीं ठहरे और सिर्फ कुफार ही जक़ात के माल के मुस्तैद ठहरे जबकि इस बात का कायल कोई भी नहीं रहा ये सवाल कि आल मोहम्मद सल्लम से जब कराबत दार मुराद होना या भी ताकिद मतिन होगा तब फिर दार से कौन कौन मुराद है तो सही कॉल के मुताबिक इससे मुराद सिर्फ बनु हाशिम है ना कि बनु मुतलि लिहाजा आले मुतलब के लिए माल जक़ात हलाल होगा रही अजवाज मतहरा के इस हुक्म में दाखिल होने की बहस तो वाक्य ये है कि इस बहस की सिरे से कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि अब ये बात मुमकिन ही नहीं कि अजवाज मतहरा में से किसी को ज़कात दी जा सके क्योंकि जुमला अजवाज मतहरा जलाल के पास जा चुके हैं अलबत्त ये बात हकीकी और मनसूस है कि अजवाज मतहरत नबी सल के आल में दाखिल है जैसा कि अल्लाह तुरह आजाब की आयत नंबर तैतीस चौंतीस में इर्साफरमाया तो मजकूर हदीस में बुनियादी तौर पर चंद मसाइल बयान हुए हैं जिनमें से नंबर एक ये एक ऊँटों में जक़त वाजिब है जिनका सायमा होना शर्त है सायमा क्या वो चरने वाले और दूसरी बात ये कि रब की रजा के लिए जक़त देने से अजर भी मिलता है और तीसरी बात यह रियाकारी जक़ात देने से आदमी अजर से महरूम रहता है और चौथी बात यह जकवात रोकने वाले से जबरन जकवात वसूल की जाएगी और बतौर जुर्माना के माले जकवात का निसफ भी लिया जाएगा और नंबर पांच के आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात का माल हलाल नहीं जो बनु हाशिम और अजवाज मुतहरात है और नंबर छह ये बात मालूम हुई कि ज़कात रोकने वाले से ज़कात वसूल करने का हुक्म ताकीदी है ज़कात हर सूरत उससे ली जाएगी अच्छा जी यहीं तक हमारा सबक होगा आज तो अब हम आते हैं सवाल की तरफ तो फिर अगला हमारा जो सबक शुरू होगा तो हदीस जिस हदीस से उसमें है जकवात की शुरूत जकवात की शर्तें यानी के शर्त कहते हैं ना वो काम जो असल काम से जिसका पहले करना जरूरी होता है जकवात की शर्तों से मुराद के भाई ये ये चीज़ें होंगी तो जक़त होगी अगर ये, ये चीजें नहीं होंगी तो फिर जकवात नहीं होगी तो यहाँ से आइंदा इंशाल्लाह हमारे सबक का आगाज होगा तो अब हम आते हैं सवाल की तरफ तो वो हमारी बहन मौजूद होगी तो वो सवाल फिर हम इन आपके के देते में रहती हूँ अभी तक तो मैंने उसकी मैं अभी तक मैं उसकी जक़ात देती थी लेकिन अभी मेरे पास हालात थोड़े से वर्स हो गए हैं बिजनेस में लॉस की वजह से क्योंकि अभी कोई जॉब कोई बिजनेस नहीं रहा क्या फिर भी हमें जकत देनी होगी देखे पहले इसको बुनियादी सी जो है ना सवाल को समझ लें तो और बाकी बहनें भी समझ लेंगी तो फिर बात को समझना आसान हो जाएगा इस्लाम ने यह शर्त रखी है जिसके पास साढ़े बावन तोले चांदी और साढ़े सात तोले सोना अगर इतना माल साल भर रहता है उसकी मलकियत में है उसके पास है तो उस पर जक़ात फर्ज है वो जक़ात देगा अच्छा अब सूरत ये होती है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसके पास सोना है तो अब उसने जक़ात देनी है तो वो कह है मेरे पास पैसे तो है नहीं मेरे पास तो ये जेवरात ही है तो मैं क्या करूं कैसे दू जक़ात भाई अब ये इस्लाम का मसला नहीं है ये आपका मसला है आपने कैसे जक़ात दें आप उस सोने में से उतना सोना देंगे लेकिन जक़ात हर सूरत देनी देनी तो जैसा कि आप बहन ने पूछा कि इंडिया में इतने पैसे मुझे नहीं पता इंडिया की करेंसी के लिहाज से इतनी जो मालियत है साढ़े सात तोले सोने की बनती है तो अगर ये मालियत साढ़े सात तोले को पहुंचती है तो फिर उस पर जकवात फर्ज है वो हर साल जक़ात देगी अब कारोबारी ऊंच नीच जो भी है इस सब के बावजूद वो जक़ात जो है देनी देनी हर सूरत देनी जक़त साकित नहीं हुई इस वजह से कि कारोबार में मंदी हो गई है या जो भी सूरत हाल है लेकिन इतने पैसे उसके पास साल भर रहे हैं तो लिहाजा तो उसने जक़त देनी देनी जी जी प्लाट प्लाट पर जकवात वाजिब है या नहीं हाँ जी प्लाट का जो मसला है ना ये बहुत सारे लोगों को दरपेश है तो इसको अच्छे तरीके से समझ लो प्लाट दो नज़रिए से लिया जाता है एक प्लाट इस नजरिए से लिया जाता है कि भाई अब तो हमारे हमारे पास घर है पांच मरले का तो हमारा गुजारा हो रहा है लेकिन हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह आगे चार बेटे हैं तो चार बेटों को फिर घर बना देना है फिलहदा तो फिर तो पांच मरले में गुजारा नहीं होगा तो चलो हम ऐसा करते हैं कि भी प्लाट ले लेते तो वो चलो एक कनाल का प्लाट ले लिए तो अब ये प्लाट जो खरीदा गया है इस नीयत से खरीदा गया है मुस्तकबिल में इसमें हम अपना घर वगैरह बनाएंगे तो ऐसा प्लाट जो खरीदा जाता उस पर जक़ात नहीं होती चूंकि ये माल तिजारत नहीं है कारोबार के लिए खरीदो फरोख्त के लिए नहीं ये तो मुस्तकबिल में रिहायश के लिए वो जगह खरीदी गई है तो लिहाजा इस प्लाट पर जक़ात नहीं है ऐसे ही इसके साथ प्लाट के साथ आप शामिल कर ले गाड़ियों को भी एक बंदा है उसके इस्तेमाल में गाड़ी है एक गाड़ी है दो गाड़ियां उसने रखी है लेकिन वो रखी सिर्फ इसलिए है कि अपने शौक के लिए सफर वगैरह के लिए उसने रखी हुई तो ठीक है इन गाड़ियों पर जक़ात नहीं है वो भले एक है या एक से ज्यादा वो गाड़ी जो है ना वो दस लाख की है भले पचास लाख की है या करोड़ की है उस पर अः जक़ात नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स प्लाट इस नीयत से खरीदता है कि यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो पैसे पड़े पड़े क्या कर रहे हैं प्लाट सस्ता मिल रहा है हम खरीद लेते हैं फिर उसको बेच देंगे और फिर और प्लाट ले लेंगे ऐसी गाड़ी जो है मुझे जरूरत तो नहीं है गाड़ी की मेरे पास तो गाड़ी है लेकिन गाड़ी सस्ती मिल रही है चलो ये गाड़ी खरीद सस्ती खरीद के महंगी बेच देंगे तो लिहाजा मुनाफा हो जाएगा थोड़ा अब ये हो गया कारोबार ये हो गया माल वो प्लाट भी माल है और गाड़ी भी माल है तो ऐसा प्लाट या ऐसी गाड़ी जो खरीदो फरोख्त और तजारत की गर्ज से वो खरीदी जाती है उस पर जक़ात है उस पर जक़ात देना फर्ज है चूंकि वो माल है जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी वालेकुम अस्सलाम तलाब रक्का तो पूछिए मेरे अकाउंट में भाई ने दस हजार यूरो मेरी छोटी बहन की शादी पर लिए ले रखे थे तो उस उसके बारे में क्या हुक्म है ना ना हाँ ये आगे कर्ज के बारे में सवाल आ गया अगर फर्ज कर लीजिए आपके पास दस लाख रुपए थे तो वो Uh, आपने किसी को कर्ज दे दिया मतलब बहन ने अपने भाई को दे दिया भाई ने अपनी बहन को दे दिया तो अब भाई ये कहे मैंने तो बहन को दे दिया कर्ज तो लिहाजा तो तो अब इन पर मैं जक़त क्यों दू भाई जो उन पैसों का मालिक है ना असल में हकीकत में वो उसकी जक़ात देगा तो वो मालिक कौन है वो भाई है तो लिहाजा भाई ने बहन को कर्ज दिया है उधार दिया है तो लिहाजा वो भाई वो कोई भी शख्स उधार देने वाला भाई है बहन है दोस्त है कोई भी है तो लिहाजा वो उस पर ज़क़ात देगा और जिसने कर्ज लिया हुआ है वो जक़ात नहीं देगा अच्छा अब कर्ज की फिर एक और सूरत बनती है वो ये है कि किसी को कर्ज दिया था लेकिन वो बंदा ही भाग गया या फिर वो बंदा गरीब हो गया या फिर उसका माल डूब गया तो अब उससे वापस आने की उम्मीद नहीं तो इस सूरत में फिर वो उस पर ज़कात वो नहीं देगा हाँ जब वो पैसे कल कला कभी मिल जाएंगे वो भले साल बाद मिल जाए दो साल बाद मिल जाए या फिर वो थोड़े थोड़े करके दे रहा है तो इस सूरत में फिर वो ज़कात उस वक्त देगा कि जब उसको पैसे मिल जाएंगे वो ज़क़ात उस वक्त देगा अभी नहीं देगा चूंकि अब तो एक हिसाब से तो उसका माल डूब गया तो लिहाजा वो उस पर जक़त नहीं देगा लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है कर्ज किसी ने लिया है आपने दिया है तो उसकी आप वो जो है ज़कात देंगे जो बहन ने पूछा शायद वो ये कि भाई इसे पैसे लिए तो उसके अकाउंट में है पैसे लेकिन क्या उस पर वो ज़कात दे नहीं भाई जिसने कर्ज लिया है वो जक़ात नहीं देगा बल्कि वो जिसने कर्ज दिया है आपको वो जक़ात देगा चूंकि वो उसका माल जी कुछ नहीं कि हम जब ज्वेलरी खरीदते हैं और जब वापस बेचने जा बेचने जाए तो तो मुख्तलिफ कीमत लगाई जाती है तो प्राइस तो किस कीमत पर दी दे हम खरीदने वाली कीमत पर या बेचने वाली और जब ज्वेलरी बेचने लगे तो ज्वेलर सारे नगों की कीमत नहीं देता सिर्फ सोने की ही प्राइस देता है तो कौन तो कैसे हिसाब लगाए देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है असल तो सोना है ना आपने कितना सोना खरीदा अब एक सोना है उस सोने के साथ उसमें वो अंगूठी बना रहे हम सोने की तो सोने की अंगूठी तो बन गई फर्ज कर लीजिए एक लाख में लेकिन उस पर जो हीरा लगाया वो लगा लिया पांच लाख का तो अब ये अंगूठी बन गई छह लाख रुपए की तो अब इस छ लाख में से सोना कितना है एक लाख का और जो हीरे कीमत तो है वो कितनी पांच लाख तो अब ये जक़ात जो छह लाख पर देगा कि एक लाख सोने पर देगा तो भाई ये जो नग वगैरह होते हैं ये इन पर जक़ात नहीं होती हीरे पर जक़ात नहीं है क्योंकि अगर वो माल तिजारत नहीं है तो उस पर जक़ात नहीं तो जक़ात किस पर है जो असल सोना है तो ऐसे ही आपके पास जो वजन लिखा होता है ना वो आता है कि भी ये जो सोना है ये जो जेवर है ये कितने ग्राम का है कितने तोले का है ये तो लिहाजा जितने वो तोले है ना तो वो तोला शुमार होगा असल वजन तो उस पर देंगे ज़कात अब ये कौन कम में खरीदता है कौन ज्यादा में खरीदता है उसको छोड़ दीजिए उसका जो वजन लिखा हुआ है कागज पर कि सोना कितने वजन का है लिहाजा उस पर ज़कात देंगे जी जी कह रही है कि क्या मैं जक़ात एक मुसलमान को उनके वो मखरूज हैं और सूद पे उन्होंने कर्ज लिया हुआ है तो क्या मैं जक़ात की रकम से उनके कर्ज की अदायगी कर सकती हूँ ये जो जक़ात जिसको देनी है ना असल में जक़ात देने का तरीका क्या होता है जक़ात देने का तरीका क्या होता है जक़ात देने का तरीका ये होता है कि जिसको आपने जक़ात देनी है ना वो माल आपने उसको देना है आपने उसको पाबंद नहीं करना कि मैं तुम्हें भाई एक लाख रुपए जकत दे रहा हूं तो तुमने ये क्या करना है इसे ये काम करना है तो मैं तुमको एक लाख रुपए दे रहा हूं रुपये तुमने ये काम करना है इसके अलावा तुम नहीं करना है. नहीं भाई ये बात ही गलत है असूली तौर पर यह बात ही गलत है जब हम किसी को जक़ात दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है हम उस बंदे को उसका मालिक बना रहे उस माल का अब जब माल का मालिक उसको बना रहे हैं तो उसको पूरा इख्तियार है वो उसको कहाँ दे कहाँ ना दे मिसाल मिसाल के तौर पर इसको अब यू समझ लो एक बंदा है उसने किसी को पैसे दिए एक लाख रुपया दिया अच्छा जी देने वाले ने दे दिया लेने ले वाले ने ले ली उसने कहा था मैं आपको तीन माह बाद पैसे वापस करूंगा तो तीन माह बाद अब पैसे उसने वापस नहीं किए उसके पास है ही नहीं तो अब वो कहता भाई मेरे मेरे पैसे दो मेरा कर्ज वापस करो वो कहता भाई मेरे पास है नहीं है मैं तो गरीब आदमी बल्कि मुझे तो और पैसों की जरूरत है अब ये बंदा क्या करता है कहता है चलो यार मैंने तो ज़क़ात देनी देनी थी ना तो चलो मैं फिर ऐसे करता हूँ कि मैंने एक लाख तुमसे लेना था तो वो मैंने एक लाख रुपए जक़ात में से आपको कर्ज माफ कर दिया ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ये भी तो क्या अब उसकी तरफ से वो जक़त हो गई और उसका कर्ज उतर गया तन नहीं हुआ ऐसे यानी कर्ज में हम जक़ात नहीं काट सकते यानी खुद मैं हिसाब लगा लूं लो भी वो एक लाख रुपए उधर से तो डूबा ही था लेकिन चलो मैंने जकआत में भी तो एक लाख देना था ना चलो जी मैंने उसको वो दे दी मेरी तरफ से जक़ात हो गई और उसकी तरफ से कर्ज भी अदा हो गया यानी खुद ही पैसे जो है ना जक़त दे दी और खुद ही ले ली यानी के अपने आप को ही जक़ात दे दी अपने आप को ही जक़ात दे दी और उसकी तरफ से अदा ये गलत है ऐसा नहीं होगा हम उसको जब जक़ात देंगे हम उसको पाबंद नहीं कर सकते कि भाई मैं तुम्हें एक लाख रुपए दे रहा हूं लेकिन तुमने मेरा एक लाख रुपए कर्ज देना था ना तो लिहाजा ही तुमने मुझे ही वापस करने तो इस तरह नहीं हो सकता ये जायज नहीं है जी जी पूछ रही कि उन्होंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं शादी के लिए और अब ये पाकिस्तान जाना चाह रही हैं अब ये पैसे बचाए थे इन्होंने टिकट के लिए पाकिस्तान के और, और मेरे मेरे के लिए और फिर नियत उमरे के भी है तो अब जो जो पैसे सेविंग करके रखा है तो क्या इस सेविंग पे जक़ात दें ये हाँ जी जक़ात इस पर देंगे इस तरह के पैसे बचा के रखे हूं? या बास खान वो होती हैं कि जो कहती है आगे मैंने बेटी की शादी करनी है बेटे की शादी करनी है तो वो ना थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ना शुरू कर देती है कभी अंगूठी ले आई कभी बालियां ले आई कभी ये ले आई कभी वो ले आई और वो क्या नियत करते हैं या इस तरह पैसे भी लोग जोड़ते हैं कहते हैं ये मेरे पैसे नहीं अपने लिए नहीं जोड़ रहा हम तो बेटी के लिए जोड़ रहे हैं जी पैसे देखो भाई किसी भी मद में आपने पैसे जोड़े वह आपने हज के लिए रखे हुए थे आपने अपने उमरे के लिए रखे हुए थे आपने जो किसी मुल्क में है तो आपने अपने मुल्क जाना है आपने वहाँ मकान बनाना है इसलिए रखे हुए थे आपने बेटी की शादी के लिए रख भाई पैसे तो आपके ही है ना रकम तो वो आपकी है तो अगर वो साल भर आपके पास रहती है और वो जक़ात के निशाब को पहुंच जाती है तो उस पर आपको जक़त देनी पड़ेगी उस पर जक़त फर्ज है अगर आप जक़ात नहीं देंगे तो आप गुनागार होंगे देखो ना अगर इसी सूरत में कोई बंदा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे फौत हो जाता है तो क्या उसका माल वरासत में तकसीम होगा नहीं होगा वो वो तो उसका माल है वो उसकी मालिक या मालकन है तो जाहिर बात वो तो वरासत में तकसीम होना ही तो लिहाजा वो माल ही शुमार होगा तो उस पर वो जक़ात देगी जी आ, उन्होंने कहा कि जो सोने का जेवरात हम पहनते हैं और जो नहीं यूज करते नहीं। बंद रहते हो कि मैंने नियत सेविंग के लिए रखा हो तो अब इन तमाम हालात में क्या हमें जक़ात देनी होगी मतलब वो जो पहने हुए हुए और जो नहीं पहने में हाँ तो देखो ना ये इसकी बात तो मैंने भी आपको बताई कि जो भी वो आपका माल है कि नहीं है, भले आपने वो पहना है नहीं पहना वो सोना डली की सूरत में रखा हुआ है वो जेवर की सूरत में वो आपका माल है कि नहीं वो आपका माल है लिहाजा जो वो माल है अगर वो निसाब को पहुंचता है और उस पर वक्त साल गुजर जाता है तो उस पर आप जक़ात देंगे भले आप उस सोने को पहने ना पहने इस्तेमाल करें ना करें वो आपका माल है उस माल पर जक़ात होगी जी वो कह रही हैं कि क्या किसी जरूरतमंद को हम अह बाय मनी दे सकते हैं zakat के पैसे से घर बना के दे सकते हैं मतलब हम बजाय उनको पैसा देने के हम उनकी उनको घर बना दें या उनके लिए घर खरीदें देखिए बात इस पे ये बात असल में पहले हो चुकी है जो ज़कात आप देंगे ना वो बुनियादी तौर पर आप वो उन पैसों का उसको मालिक बनाएंगे और मालिक तभी सु... बंदा है बंदा बनता है जब उसको उसको खर्च करने के इख्तियार होता है जब उस पर वो पैसे खर्च करने का इख्तियार नहीं दिया तो आपने तो उसको मालिक बनाया ही नहीं ये तो आपकी मर्जी चल रही तो उसकी मर्जी तो नहीं चल रही तो लिहाजा अब हमने तो जकवात देनी आगे वो उन पैसों का क्या करता है ये उसकी मर्जी है अपनी हम हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं देखो जी हमने इसको पैसे दिए तो फिर पैसे तो ये दाएं बाएं लगा देगा खर्च कर देगा तो लिहाजा फिर ये ऐसे कैसे रह जाएगा तो क्यों ना हम इसको ये कर दें वो कर दें तो ये हमारी सोच है ना न ने असल में पाबंदी नहीं ना लगाई हम पर शरीय ने जब हम पर पाबंदी नहीं लगाई है तो फिर हम अपनी तरह से पाबंदी क्यों लगाते लिहाजा हमने तो उन गुराबा फ़करा मसाकिन को जकवात देनी है जो मुस्तकिन है वो आठ है सोरा तौबा की आयत नंबर साठ के अंदर जो जिक्र किया हमने उनको माल देना है तो खजुन अगनिया फी फा गनियों से माल लिया जाएगा और फकीरों को लौटाया जाएगा अब आगे उनके घर बना के देना गाड़ियां लेके देना फलां करना फला करना ऐसा नहीं हाँ वो फी सभी के इदारे अलग से मौजूद है ना एक फी आठ मसारिफ में से फीस है तो वहां पर आप जक़ात दे सकते हैं जैसे कोई खैराती इदारे होते हैं मतलब कोई हॉस्पिटल है वहां पर इलाज वो कर रहा होता अद्वियात आ रही होती है। तो वहां आप दे देते हैं चूंकि वहां पर मुस्तक लोग आते हैं तो वो ठीक है असल में ये सारी जो सवाल है ना इन सवाल का असल में जवाब तो यही है कि जब अल्लाह पाक हमें तोफीक दे इस्लामी कायम हो तो इस्लामी हुकूमत में जकवात वसूल की जाए फिर बैतलमाल में माल आ जाता है और बैतलमाल में जब माल आ जाता है तो फिर माशरे का कोई फर्द हो माशरे का कोई फर्द हो तो फिर वो रुजू करता है अपने उमाल की तरफ अपने हुकाम की तरफ और फिर हुकाम जो होते हैं फिर उसकी जो उस वक्त की जो जरूरत होती है उसको देखते हैं और उसको वो उतना पैसा जो देते हैं उसकी जरूरत पूरी करते हैं अब चूंकि हमारे पास ये सिस्टम है नहीं है तो इस वजह से ये बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं तो अल्लाह तोलम इस्लाम को फिर दोबारा से मनज्म करे मुतफिक करे और इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाने की तौफीक दे तो फिर वहां पर ये मिसाइल नहीं होगी जी जी वो पूछ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों ने सवाल पूछे हैं कि क्या अपनी औलाद को बहन भाई को माँ बाप को हम जक़ात दे सकते हैं हाँ जी इस बारे में एक असूली सी बात में रख लो कि जिन लोगों का खर्चा नान आपके जिम्मा फर्ज है उसको आप जकवात नहीं दे सकते और जिसका खर्चा नान नफका आपकी जिम्मा फर्ज नहीं है अब उसको आप जक़ात दे सकते हैं मिसाल के तौर पर भाई जो है भाई सगा भाई या सगी बहन जब उनकी शादियां हो जाती है ना तो वो सब अपने अपने घर के हो जाते हैं लिहाजा उस सूरत में शर्न उनका नान नफका आपके जिम्मा नहीं है लिहाजा एक भाई अमीर है एक भाई गरीब है लिहाजा अब जो अमीर भाई है अगर वो अपने गरीब भाई को ज़क़ात दे अमीर बहन अपने गरीब भाई को जक़ात दे या अमीर भाई अपनी गरीब बहन को जक़ात दे तो वो उसको जक़ात दे सकते हैं चूंकि उनका खर्चा उनके जिम्मा नहीं है वो अपने अपने घर के ऐसे ही मिसाल के तौर पर बीवी जो होती है उसका सारा नान नफका और खर्चा किसकी जिम्मा होता है खामद की खामत ने उसकी सारी जरूरत पूरी करनी है खाना पीना है लिबास है मकान है इलाज मुआलजा है सब खामत के जिम्मा फर्ज शरीत ने उसको जिम्मेदार बनाया लेकिन अगर एक खातून है और वो खातून मालदार है अमीर है और उसका खामद गरीब है और ऐसा होता है कि अमीर खातन गरीब अशास से शादियाँ कर लेती हैं तो अब बीवी मालदार है खामिद गरीब है तो बीवी ने ज़कात देनी है तो बीवी खामिद को जक़ात दे सकती है हाँ जी बीवी अपने खामिद को ज़कात दे सकती है और फिर जब वो पैसा खामिद के पास आ गया अब वो उसका माल बन गया अब अगर वो अपनी बीवी को इसमें से खाना खिलाना चाहे कपड़े लेके देना चाहे दे सकते अब कोई कहेगा कि ये क्या बात हुई बीवी अमीर है वो गरीब खामिद को जकवात दे सकते क्यों देख वो तो पैसा घर में ही घूम रहा है नहीं भाई असूल ये है ना बीवी के जिम्मा खामिद का खर्चा नहीं है खर्चा बीवी का खामद के जिम्मा खामद ने खिलाना पिलाना लिहाजा ये सहाबियात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था तो एक भी खातून जो है वो अमीर है उसका खामद गरीब है जकत दे सकता आपने फरमाया दे सकती तो यहाँ से यही असूल वाजह हो रहा है कि जो जिसका खर्चा आपके जिम्मा फर्ज है उसको जकआात नहीं दे सकते और जिसका खर्चा आपके जिम्मा फर्ज नहीं है उसको आप जक़ात दे सकते तो बीवी अपने खामिद को जक़ात दे सकती है और ऐसे खामिद अगर मालदार हो जाए कल को तो वो कहे चलो मैं अब अपनी बीवी को जक़ात दे दू खामिद कभी भी अपनी बीवी को जक़ात नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता

दोबारा सवाल दोहराइए मैं सुन नहीं सका दोबारा माजरा क्योंकि अब्बा की कुछ प्रॉपर्टी है वो ये पूछ रही हैं कि बाप की कुछ प्रॉपर्टी है क्या वो बच्चों के लिए यूज हो सकता है वो यानी कि जैसे उसका रेंट देना यानी बच्चों को शायद रेंट वगैरह देना है तो अब्बा की प्रॉपर्टी से लेके वो दे सकते हैं दोनों तो के हम ये सवाल उलझा सा सवाल है अब ये किसने पैसे लेने हैं वो अब्बा की प्रॉपर्टी है तो जो उसमें से किराया आना वो किसने लेना या तो बच्चे, मां वो है? पूछ रहे क्या वो बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी के जो पैसे हैं कौन यूज कर सकता है न। देखो ना तो अब्बा की प्रॉपर्टी है तो अब्बा जिंदा है कि अब्बा जिंदा नहीं है तो ही सूते हो सकते हैं या तो जिंदा है तो भाई फिर जिंदा है तो फिर अब्बा जो है वो अपनी औलाद पर खर्च कर सकता है ये तो ठीक है इसमें तो कोई मसला ही नहीं है लेकिन अगर अब्बा जिंदा नहीं है तो अब इस सूरत में फिर माँ जिंदा है कि नहीं है तो अब्बा अगर फौत हो चुके हैं तो फिर उसकी जो वरासत है वो तकसीम होगी उसकी बीवी को भी हिस्सा मिलेगा और बाकी औलाद में बेटे बेटियां उनको भी हिस्सा मिलेगा तो अब अगर वो प्रॉपर्टी है और वो अगर सवाल अगर यही है जो मैं समझ पा रहा हूँ तो फिर अगर उसकी पहली बात तो ये यह है, उसको तकसीम कर देना चाहिए हर एक को उसका हिस्सा मिल जाए ताकि मसला ही खत्म हो जाए और अगर वो उसको फरोख नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा तो फिर भाई जो भी उसमें से आएगा आएगी किराए की मद्द में आती है तो फिर वो सबका सब उतना उतना जितना किसी का हिस्सा बनता है। लड़कों को डबल दिया जाएगा लड़कियों को आधा दिया जाएगा और फिर माँ का हिस्सा बनता है उसको दिया जाएगा अगर सवाल यही है तो फिर तो जवाब यही पता नहीं यह का सवाल क्या है जी? जी,

तो अपने का शोहर नहीं है। उसको अच्छा ठीक है बहन का शोहर नहीं है उसको क्या हम सदका जकआत दे सकते हैं हाँ जी दे सकते हैं अगर वो मुस्तक है तो फिर उसको जक़ात दे सकते कोई हरज नहीं जी घर के खर्चे से पैसे बच बचा के उस पैसे को जकत में दे सकती हूँ दो सूरतें हैं ना अब ये जो घर के पैसे मिलते हैं तो खामन देता है पैसे तो खामन से मसल कहा गया जी रोजाना का खर्चा है पांच सौ रुपए है लेकिन वो खातून जो है वो उसको पता है मैं गुजारा कर लेती हूँ तीन सौ रुपए में तो लिहाजा वो हर रोज दो रुपए बचा लेती है तो इसका मतलब हर रोज दो सौ रुपये बचाएगी तो महाना उसने बचा लिए छह हजार रुपये तो अब बुनियादी तौर पर यह है ना कि भी खामद ने जब इसको पैसे दिए हैं तो ये तो एक लिहाज से खामद के उस माल में दयानतदारी से काम नहीं ले रही भाई खर्चा अगर तीन सौ तो रुपये है तो फिर ये दो सौ रुपये क्यों बचा रही क्योंकि वो तो खामद के पैसे और खामद उसको दे रहा है उसके जो है ना घर खर्च के लिए या तो फिर वो जो उतनी अच्छी चीजें नहीं ला रही मसलन दूध लाना चाहिए था तीन किलो ये ले आती है एक किलो और उसमें सरफा सुरफा कर लेती है और जो फल लाने थे अच्छा फल मिल रहा था वो मिसाल के तौर पर आज का सर्दियों के मुताबिक किन्नो माल्टा तो अच्छे वाले के पैसे दिए वो मिल रहे सौ रुपए दर्जन ये ले आती है पचास वाले दर्जन तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ना गड़बड़ हो रही है ये पैसे जो जमा किए जा रहे हैं हाँ अगर खामद ने इसको इजाजत दी है भाई तुम बचाना चाहो बचा लो, लगाना चाहो लगा लो और ये फिर पैसे बचाती रहती है और को पता भी है और फिर ये ये उसमें से भी कर थी। ये उसके माल की निगरान है उसने इसको फ्री हैंड दिया हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं है लेकिन अगर इसमें खामद को धोखा दिया जा रहा है फिर ठीक नहीं चूंकि जो जेवर है ना बुनियादी तौर पर वो जो महर में मिलता है औरत को मिल जाता है एक होता है खामद उसको वैसे देता है मैंने आपको सेट बना के दे दिए पहनो लेकिन वो उसको खा, बीवी को देता नहीं पक्का पक्का वो कभी भी ले ही सकता है तो एक ये होता है कि भी वो बीवी को हिबा कर दिया लो जी मेरी तरफ से आपको तोहफा मिला और अब ये आपका ही है तो इसका मतलब वो बीवी की मलकीयत है तो बीवी अब चाहे उसको रख ले चाहे उसको फरोख कर दे कोई मसला नहीं तो अब ये जो महर का जेवर होता है ना ये बीवी का होता है बीवी इसकी मालकन है तो लिहाजा अगर वो निसाब को पहुंचता है तो इसकी जक़ात भी उसने ही देनी है अब वो कह सकती है भाई मैं कौन सा कमाने जाती हूँ मुला, मुलाजमत करती हूँ मैं कहाँ से दूंगी भाई नहीं दोगी तो फिर इसको अल्लाह के नाम खर्च कर दो ताकि आपके जिम्मा वो कर्ज नहीं रहे अगर आपके पास वो दौल आ, सोना रहेगा तो वो जक़ात आपने देनी है हाँ अगर आपकी तरफ से खामत अदा कर देता है तो ठीक है फबीहा कोई मसला नहीं जक़ात अदा हो गई लेकिन अगर खामत कहता है भाई तुम्हारी तुम्हारे जेवर है तुमने अदा करनी तो करो फिर तो अब वो जो था ना पैसे बचा बचा के वो अगर खामत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है उसको पता है आप जमा करके दे देते हैं फिर ठीक है कोई मसला नहीं लेकिन अगर खामद को पता नहीं है और उसके माल में से ये खुद ब करके पैसे बचाकर की zakat दी जा रही फिर ठीक नहीं है क्योंकि जो बीवी होती है ना वो मालिक के घर की और उसके माल की अमीन होती है अमानतदार होती है तो उसमें खयानत नहीं कर सकती है जी जी ये पिछली क्लास के बारे में पूछ रही कि पिछली क्लास में जो आपने बताया था कि आठ चीजें ऐसी हैं जिस मुझे समझ नहीं आ रहा जिस अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत कर नहीं करना आठ आठवीं वाली आपने उर्दू में नहीं बताई प्लीज बता दो अच्छा जी चलो जी मैं वो आयत पढ़ता हूँ कुल इनका ना आबा कुल आबा अगर तुम्हारे बाप व अबना और तुम्हारे बेटे व अखवाकुम और तुम्हारे भाई व अजवाज और तुम्हारी बीवियाँ वशीरतुम और तुम्हारे रिश्तेदार व अमवाल अमाल और तुम्हारे माल

सवाल तो बहुत सारे हैं शेख है तो तो बहुत बहुत सारे सवाल हैं कोई मसला नहीं असल में जक़ात का मसला ही ऐसा है ना तो कोई बात नहीं बहनों को सवाल अगली दफा हम ऐसा करेंगे ना कि जो अहदीस हैं वो थोड़ी कम करेंगे और आधा घंटा पूरा सवाल के लिए रख लेंगे आधा घंटा हम अहदीस पढ़ेंगे और आधा घंटा सवाल चूंकि असल में तो हमने बहनों की रहनुमाई करनी है ना जक़ात के हवाले से तो फिर हम उन सवाल ले लेंगे और दूसरा यही है के आप बहनों को मैंने वो नंबर अपना दिया हुआ व्हाट्सएप का तो आप उस पर भी भेज सकते हैं सवाल मुझे तो इनशाला मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं उस पर ही जवाब दे दूंगा तो नंबर आप लोगों के पास है तो ठीक है नहीं तो मैं एक बार बोल देता हूँ जीरो थ्री टू वन फोर नाइन डबल फोर डबल टू जीरो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं तो मैं इनशाला वो जवाब दे दूंगा बल्कि आप भेज दीजिएगा ताकि अगली क्लास के लिए थोड़ा सा बोझ जो है ना वो कम हो जाए तो अगले अगले सबक में फिर इंशाल्लाह और सवाल आ जाएंगे फिर हम वो भी ले लेंगे ये क्या लिखा है जी नो no. हाँ जी प्लीज हाँ जी नंबर अभी किसी ने लिखा है जीरो थ्री टू वन फोर नाइन डबल फोर डबल टू जीरो